क्यों बुलाया मुझे? सलमा भाभी बहुत नाराज हैं। सिर्फ मुर्तसिम की वजह से चुप हैं तुम। तुम मुर्तसिम का ख्याल रखा कर, आइंदा भाभी को शिकायत का मौका ना मिले। बस वो नाराज हूं या उन्हें मुझसे कोई शिकायत हो, ये मेरा नहीं उनका मसला है। मेरा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, बसते हुए देखना चाहता हूं बेटा। बस आने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक कह रही हूं, मैं पहले बहुत खुश थी, शादी के नाम पे मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली आपने। दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, बाप हूं मैं। और एक बाप अपनी औलाद का बुरा कैसे चाह सकता है? आप जो भी चाहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे साथ बहुत अच्छा मजाक हुआ है। 25 साल तक मेरा बाप कोई और था, 26वें साल में मेरा बाप बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी पहचान बदल गई। इस गुस्से में अपना कोई नुकसान ना कर लेना, मत करो ऐसा। मुर्तसिम को इतना तंग मत करो भी, वो तुम्हारे साथ खड़ा इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। अगर कल को वो तंग आ गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कहना चाहते हैं ना आप? हूं तुम्हारा भला चाहता हूं तुम्हारा। कोई बाप अपनी इकलौती औलाद को इस तरह लावारिस ना करे जिस तरह आपने मुझे किया। मेरी भलाई और मेरी बर्बादी मेरे सर मेरे जिम्मे। आपकी इज्जत पे कोई आंच आएगी ना तो मुकर जाएगा। कह दीजिएगा कि मैं आपकी औलाद ही नहीं, जिसने इस दुनिया में आती आपकी बीवी आपसे छीन ली थी। मुंह मोड़ लीजिएगा, वैसे ही जैसे हर दफा करते हैं आप।